प्रशासन हाय हो, पुलिस प्रशासन हाय हो, पुलिस प्रशासन हाय हो। आदिवासी नेता हेमंत सोरेन मुर्दा पर, आदिवासी नेता हेमंत सोरेन मुर्दा पर, पुलिस प्रशासन हाय हो, पुलिस प्रशासन होश में हो, पुलिस प्रशासन मुर्दा पर, पुलिस प्रशासन मुर्दा पर। कैसे लिया जार को, अरे कैसे लिया जार को, जार को और जार को। पुलिस प्रशासन हाय हो, पुलिस प्रशासन हाय हो। काहे की विधायक यहाँ कहा की अखन से नहीं पहुँचल चार घंटा से रोड जाम हो तो मुर्दाबाद तो रहो। एमएम के अपने आप के नेता आदिवासी नेता बोलने वाला तोनी कहाँ है यार। जिला अध्यक्ष हीरा लाल मांझी तोर मोबाइल स्विच ऑफ हो। कंधे है आदिवासी नेता के लगे आदिवासी और मूलवासी के संरक्षण। हेमंत सोरेन तोरा तो गद्दी में बैठा ले जो। लेकिन तय की करे आज हमने मुर्मू भाई जिला के एक जन मरल हो, एक एक माए के हाथ टूटल हो, दू भाई के माथा फूटल हो। और तोरा एक बात कह दे कि जोकर घर में इंसिडेंट भेल हो ना भाई खुद झारखंड पुलिस में हो। परमेश्वर मुर्मू खुद एक झारखंड पुलिस में है और उसके बाद भी प्रशासन हम लोग का साथ नहीं है। और एक और बात, जो मारने आया था ना वो प्रशासन का आदमी था, भले अरेस्ट हुआ कौन है वो शिकवेंद्र सिंह ना क्या है पता नहीं। वो पुलिस का गाड़ी में आए थे, नंबर प्लस लोगो लिखा हुआ है और प्रशासन बारह थाना के ये थे, प्रशासन थे, पुलिस थे। बताइए ये स्थिति है, सीएनटी कानून को यहाँ जबरन लूटा जाता है। मतलब हम लोग का जमीन में विकास के लिए बीएसएल प्लांट भी देंगे और इधर आपका फ्लैट बनाने के लिए जमीन भी देंगे और समय पे हम लोग लाश भी देंगे, मर्डर भी खाएंगे ना जल तो। हेमंत सोरेन मुर्दा पर, पुलिस प्रशासन हाय हो, पुलिस प्रशासन मुर्दा पर। जिसका सारा जिम्मेदारी जो है जिला है, आदमी मेरा अच्छा ही नहीं कर पा रहा। आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग क्या कर रहे हैं? के दायरे में रहते हुए उनको दिया जाए तो ये मेरा आप लोगों से ये है। और इसमें से मेरे द्वारा जो कही गई बात है वो 100% सत्य है, उसमें कहीं किसी के साथ कुछ है। मैं आप लोगों से बस ये अनुरोध करता हूँ, शेष जो अन्य बिंदु है दिलीप सिंह शेखावत नाम है और इसके अंदर जमीन का जितना भी एंगल, जैसा कि जांच में पता चलेगा कि सीएनटी खाते में कब्जा किया जा रहा है और मेरे न्यायालय के, ये मैं आश्वासन आपको दे सकता हूँ सभी लोग आज साक्षी इस चीज के कि इस मैटर में इससे जो संबंधित जमीन है या यहाँ के लोगों की जो जमीन है उन सभी हिंदुओं को न्यायालय में मुकदमा चलेगा और उसके अंदर न्याय मिलेगा, उसकी गारंटी मिलेगा। दूसरी रही बात, एक बहुत दुखद घटना घट गई और मुझे सबसे अफसोस इस चीज़ का हो रहा है कि इस घटना के अंदर एक हमारे अपने बुजुर्ग की मृत्यु हो गई और वो सबसे दुखद घटना है और उसे वापस नहीं किया जा सकता। लेकिन ये मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि अपने न्यायालय के माध्यम से, चाहे हमारा जो अंचल कार्यालय है उसके माध्यम से, जितना कुछ अपनी तरफ से मैं कर पाऊँगा ये भी मैं आपको कहना चाहता हूँ। आप इस चीज़ को फॉलोअप भी कीजिए, इसको बहुत ही स्पीड कम ड्यूरेशन पे डेट दे दे के इसको हम लोग न्यायिक प्रक्रिया में लेके आएंगे और इसको रिजॉल्व करेंगे। और ये मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये एक एग्जाम्पल है, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं क्योंकि ज़मीन को लेकर बहुत विवाद है चास मंडल में, लेकिन इस बिंदु पे क्योंकि ये मामला सीएनटी का है तो इसके अंदर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। सीएनटी की जो ज़मीन है नॉन सेलेबल आउटसाइड अदर कास्ट, तो उस बिंदु पे तो किसी प्रकार की कोई लीनियंसी बरती नहीं जाएगी।
सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और इसकी जानकारी मैं विधायक महोदय को दे चुका हूँ और आप लोगों को भी आश्वासन देना चाहता हूँ कि जो भी यहाँ पे हमारे सीएनटी एक्ट के तहत जितने भी लोग आते हैं, जितने भी लोगों की जमीनें आती हैं, वो उन जमीनों को लोग इंश्योर करेंगे कि ये ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि हम आपसे अलग हैं। कई लोगों से मेरा अपने ऑफिस के है हो कि इस तरह की कार्रवाई, इस तरह की वारदात को अंजाम देने से पहले इसको 100 बार सोचना पड़े, इसको अंजाम देना। और जितने पुलिस केस हुआ है उसके अंदर भी मॉनिटरिंग में करूँगा, ये इंश्योर करेंगे कि जो लोग अभी आगे हुए हैं या और भी जो लोग हैं, जो मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में आप जो बयान देंगे उसके अंदर बातें प्रकाश में आएगी, बिल्कुल बिल्कुल, उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी, उनको भी देंगे। मैं अपनी तरफ आपकी जो जमीन है, मैं कह रहा हूँ ना आपको, आपकी जो जमीन है मैं अपने न्यायालय के अंदर फैसला करूंगा। अगर आपकी जमीन है तो किसी की हिम्मत नहीं है कि आपकी जमीन पे कोई कब्जा कर ले, ठीक है? मैं आप सभी लोगों को बहुत कठोरता से ये बात बोलना चाहता हूँ कि आपकी जमीन है, खास करके जो सीएनटी की जमीन है, हमारे आदिवासी या फिर हमारे जो शेड्यूल कास्ट में किसी के अंदर जो लोग आते हैं जो सीएनटी एक्ट के तहत कवर, उन लोगों की जमीन को कोई नहीं लूट पाएगा और ये मैं एक्शन इंश्योर करूंगा पुलिस के माध्यम से भी और अपने न्यायालय के माध्यम से। इस बात को लेकर मेरे माइंड में कोई डाउट नहीं है और आप लोग भी इस चीज को, मेरी बात को समझे कि इसके अंदर मैं बिल्कुल स्ट्रांग हूं। और आज ये मैटर आया है सामने तो अब इसके अंदर आप लोग न्यायिक प्रक्रिया पे विश्वास करें, मुझ पर विश्वास करें। और मैं तो आपसे कह रहा हूँ आप हर हफ्ते आइए मेरे ऑफिस, आप इसको फॉलोअप कीजिए और आप ये देखिएगा कि हम लोग इसको अंजाम तक ले जाएं ताकि भविष्य के अंदर किसी भी आदमी को डर लगे, भय लगे इस चीज को छेड़ने से। बिल्कुल आपकी सही बात है और मैं तो ये आपसे एकदम सहमत हूँ कि उन्होंने जो कहा हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, हम उसको फील भी नहीं कर सकते, लेकिन इतना हम लोग जान रहे हैं कि आपने जो बात कही है कि भाई जो आवेदन है वो कहाँ कहाँ रिसीव हुआ है, उस पर क्या कार्रवाई हुई, इस पर मैं आपको अपडेट दूँ। लेकिन जहाँ तक जमीन की बात है, जमीन के अंदर क्योंकि चलिए आज इनका पक्ष है लेकिन हमको दोनों पक्षों को सुनना पड़ता है, तो न्याय के तहत न्याय से एक बिंदु भी बाहर हम लोग नहीं जाएंगे, इस चीज़ का आश्वासन मैं आपको भी देना चाहता हूँ। इस चीज पर हम कैमरा पर कुछ नहीं कहना चाह रहे, उसका कुछ कारण है, इसलिए हम कहें कि कल हम लोग से बात करेंगे और बयान उन चीज को डलवाएंगे। फ्लैश लाइट जलता तो जलता, इसीलिए हम कह रहे हैं कि फ्लैश लाइट कहाँ जलते हैं ध्यान में डलवाना होगा ताकि हम सारी चीज़ों को ले आए। मेरी बात समझ, इतना लंबा टाइम क्या ले रहे हैं? नहीं टाइम ले रहे हैं भाई, एकदम जल्दी करेंगे। कल घटना हुआ है, आज गिरफ्तारी, कल रात में ही गिरफ्तारी की है, आज जेल भी भेज दी है और एक सप्ताह का बस समय मांग रहे हैं। हम भी इंसान है, एक सप्ताह का समय हमको दीजिए और अगर कार्रवाई आपके सामने नहीं होंगे तो हम भी आए हैं। नहीं देखिए, परिजन हमको बताए, जो हमको परिजन बोले, बच्चा है हमारे साथ उठ गया था रेड, जो वो हमको दिखाया, जो बोला यही सबसे ये ज्यादा किया है, उसी को सबसे पहले गिरफ्तार किया गया। रेड में भी वो मेरे साथ गया, हम खुद रेड में गए, ऐसा नहीं हुआ। छोटा सा प्रधानमंत्री आवास वगैरह जो भी होता है एक चीज़ें हम कह देते हैं, अब प्रधानमंत्री बाबा साहेब को आवेदन कर देते हैं। अभी सुनिए मैडम, हम अभी आपको देते हैं उसके लिए हमको एक महीने का समय दिए, मेरे पास आया नहीं, इस आवंटन में आएगा, आप कोई भी आ जाना। अब शिक्षा वाला भाई देखो, शिक्षा वाला हम इसलिए पूछ रहे थे, अगर बच्चे छोटे हो तो राइट टू एजुकेशन के तहत बोकारो के जो बड़े स्कूल में आप बोलते हम लोग पढ़ाने सीख रहा, लेकिन अब ये बीजेस नर्सिंग कर रही है, वो ग्रेजुएशन कर रहा है, वो 11th कर रहा है ना, हम लोग बताते हैं डीसी साहब, हम लोग से बात करें, विचार करें, बात करें, है ना, वो हम लोग करेंगे। देखिए जो हमारा आवाज मेरे बस की चीज़ मैं देती है। अच्छा एक चीज और है, जो उनकी जो मम्मी है ना, पेंशन जो है
विधवा पेंशन एक सप्ताह के अंदर छीन दे देंगे। एक सप्ताह मृत्यु प्रमाण पत्र मैं कल कटवाऊंगा, हो सकता है कि परसों भी मैं दे दूंगा। और सर जो मेरे बस की चीजें मैं तुरंत, और सर कुछ सर 20-25 लाख के बीच में उसको दिया जाए, तो इसमें आप कितना दरखास्त रख सकते हैं? सारा चीज को बंद कर दिया। हम लोग को भी निर्देश दिए हैं कि आप लोग पोस्टमार्टम के अंदर से करा करके सारा चीज, और जो पहला पीस था मुआवजा का रेगुलर वाला वो भी इमीडिएटली हम लोग दिलाने के लिए कर रहे हैं। आप लोग आश्वस्त रहिए, एकदम पूरा जिला उसमें लगा रहेगा, कोई भी चीज़ में कोई विलम्ब नहीं होगा। जितना अविलंब से होगा हम लोग करेंगे, खुद सूचित करेंगे। कल हम खुद जैसे कि हम लोग का 10 कर्म होता है, जो हम लोग का नहीं नहीं हम लोग प्रयास करेंगे कि आप लोग मिल जाए एकदम, हम लोग आश्वस्त करेंगे। हम लोग को पोस्टमार्टम रिपोर्ट और बाकी चीज चाहिए, जिला से फंड रिलीज करना है तो हो ही जाएगा, वो हो जाएगा। आप एकदम निश्चित रहिए, हम लोग करा देंगे। हम लोग कल इसको बैठने दीजिए और सारा चीज हम लोग को पेपर वर्क करने दीजिए, तो पेपर वर्क है वो तो मजबूरी है हमारी करनी है, करके हम लोग खाता में लेकर के जिनका खाता में आप लोग बोलिए, कोई बच्ची का अगर बेटी का खाता में बोलेंगे तो उसका खाता में आज का जो यहाँ दाम हुआ क्योंकि सर हम लोग फोर किसी को दिए नहीं, आश्वासन दिया गया लेटर पे जो मांगे हैं वो लेटर पे सिग्नेचर और मोहर SDM साहब का है, कल DC साहब के पास जाएंगे। 5 दिन के अंदर मुआवजा और नियोजन का भी बात हुआ, जो एक बेटी को मिलेगा जो ग्रेजुएट है उनको एक नियोजन मिलेगा, और थाना प्रभारी और अगर SPP भी जिम्मेवार है तो उन पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसका भी हम लोग जो है कड़ी निंदा करते हुए के पास रखे हैं, अगर इसमें प्रभारी दोष है, क्योंकि बात तो सही है, 2 घंटा कल यहाँ पे वारदात हुआ, 2 घंटा तक प्रशासन आई नहीं, जबकि 15 दिन पहले से मालूम है, और आज यहाँ 10 मिनट तक के जाम कर दिए थे हम लोग दिन में 12 बजे से। बोकारो जिला का तमाम पुलिस पदाधिकारी पहुँच गए, तो आप